हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है हमारी एनिवर्सरी और दिशता और दिशा की मम्मी शो में सो गए हैं। मैंने और सार्थक ने प्लान किया, देखो ये सार्थक, कि हम जो एनिवर्सरी विश करने के लिए किए आए हैं छुपके से। रात के 12 बज गए हैं और हम उन दोनों को उठाएंगे और उनको सरप्राइज करेंगे कि हमने जो केक लाया है हम मिलकर काटेंगे और खा के उसके बाद हम कल बाकी सेलिब्रेशन करेंगे, बाकी कल करेंगे। और अभी हम केक काट के इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और ये हमारा एनिवर्सरी केक, हैप्पी एनिवर्सरी। हम लोगों ने चुपके से लाया है और हम जा रहे हैं उस रूम में, दूसरे रूम में जहाँ सार्थक की मम्मी और दिशा सो रहे हैं, और फिर हम करते हैं सरप्राइज। और केक सरप्राइज केक कटने वाला है। और ये दरवाज़ा बंद है, खोलते हैं अभी। ये दरवाज़ा खोला हमने, देखो ये सोए हुए है, अंधेरा होता है, ये लाइट खुली है, दोनों गहरी नींद में है, इनको उठाते हैं हम। हेलो हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी। ये उठ गए दोनों, देखो ये हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। देखो केक लेके आए, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, केक काटेंगे। दिशता ने हम दोनों के लिए एक रिंग बनाई है, हैंडमेड रिंग। ये छुपा के रखा हुआ था, बताया नहीं हमको। देखो कितनी शैतान गर्ल है, कुछ कुछ करती रहती है। थैंक यू दिशता। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary, Papa. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ सुबह। और सुबह की हमारी चाय चल रही है, इसके बाद हम नहाने धोने के पश्चात फिर जो है आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो अभी हम जाता हूँ मैं नहाने के लिए। ओके, मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ और अब जो है हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर दर्शन के पश्चात तब हम करेंगे आगे का कार्यक्रम। ओके, अब चल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। गलियों से होते हुए ये देखो गाय माता, गाय माता की बच्ची। लोगों ने यहाँ बाइक लगा दी है, रोड ब्लॉक कर दी लोगों ने। जरूर लोगों को ट्रैफिक का सेंस नहीं है, कैसे कैसे लोग जो है अपनी गाड़ी वाई लगा देते हैं। बालाजी मंदिर यहाँ पर अपने आप ये भी आते रहते हैं, और खासकर नए वर्ष पे या इतवार दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपने आप में सिद्ध हैं, तो उनसे मनोकामना भी करते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है।
अभी हम आ गए हैं सिद्ध बली बाबा मंदिर से। यहाँ पे आके आदमी के सारे मन में जो भी शंकाएं दूर जाती हैं, मन को बड़ी शांति मिलती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आज की डेट में ये बड़ा मंदिर पूरे उत्तर भारत में फेमस हो चुका है और जगह जगह से लोग यहाँ आते रहते हैं। ये देखिए यात्री सुविधा के लिए शेड बनाया गया है जिससे धूप गर्मी और बरसात से यात्री बच पाए और यहाँ दर्शन कर पाए। बाबा जी का भव्य मंदिर यहाँ पे प्रसाद तोड़ने के लिए, श्रीफल तोड़ने के लिए जगह बनाई हुई है, हाथ धोने के लिए जल की व्यवस्था। ये मंदिर के लिए मुख्य सीढ़ियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। यहाँ सारी सीढ़ियाँ सड़क से लेकर और पूरा मंदिर तक पूरी कवर की हुई हैं जिससे यात्री हर मौसम में यहाँ आ पाए। ये बैठी हुई दिशिता यहाँ पे थक गई लगता है ये, और ये फिर से भागना चालू कर दिया इसने। ये भाग गई है और फर्स्ट आने वाली है आगे। कोरोना का ये मंदिर घंटियाँ बांधी हुई हैं जिससे कोरोना का संक्रमण न फैल पाए, और पहुँच गए हम मंदिर के प्रांगण में। यहाँ बैठ के श्रद्धालु घंटों यहाँ पे मंदिर दर्शन करते हैं और बाबा जी का स्मरण करते हैं। ठीक ठीक है ठीक है। ये मंदिर से कोटदास बहुत ही ऊँचाई बना हुआ मंदिर है और पूरा पूरा यहाँ दिखाई देता है। थोड़ी धुंध के कारण आज पूरा कम दिखाई दे रहा है। बहुत ही हम पहले मंदिर दर्शन करते हैं, बाकी आपको बाबा दर्शन कराएंगे। पूरा मंदिर की जो जाली है लोगों की मन्नत से भरी हुई चुनरियाँ वहाँ पे लोग चुनरी बांधते हैं और अपनी मन्नत भी बांधते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो चुनरी निकाल दी जाती है, ऐसा मानना है। और बाबा जी इससे के लिए सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
बहुत बढ़िया ना। नहीं और कोविड का ध्यान रखते हुए हम आए मंदिर में और मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर लिए हमने सिद्धि बाबा के, अब हम चलेंगे आगे यहाँ पे और मंदिर है उनकी तरफ। शिवालय खो नदी देखो बंदर कोशिश कर रहा किसी पे जंप करने के, इसलिए कुत्ता इनको झपड़ने के लिए तैयार है। ये तालाब अक्सर कमल के फूल रहते हैं, अभी फूल का टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पे फूल मौजूद नहीं है। और सिद्ध बली बाबा का जो भंडारा है इतना फेमस भंडारा है कि अभी भी यहाँ पे 5 साल की बुकिंग चलती है, तो हम लोग इसलिए सब मिल के आए हैं और ये सब लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे फिर। ये हवन कुंड के लिए पूरा एक स्थान बनाया गया है, यहाँ पे हवन किया था, सामूहिक हवन किया था। जय बाबा जी की। ये यहाँ पे चप्पल जूते रहने के लिए स्थान बनाया गया है, मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और ये सारी जो दुकानें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे हर प्रकार के बच्चों के खिलौने प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं। सामने एक भव्य सी बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम के लिए विश्राम स्त्री है और धर्मशाला पर ही है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा है, जब यहाँ पे सिद्धरी बाबा का मेला होता है उस समय सारी पार्किंग में मेला ग्राउंड बन जाता है और पार्किंग की व्यवस्था दूसरी जगह की जाती है। दूर दूर से यात्रा यहाँ पे आते रहते हैं और वर्ष में दिसंबर माह में यहाँ पे सिद्धरी का मेला किया जाता है और उस मेले में इतनी भीड़ होती है कि लगभग 2-3 किलोमीटर पहले से लोगों को पैदल आना पड़ता है। मंदिर के दर्शन कर दिए हमने।
इसी के लिए बॉल भी ले ली और हम चलते हैं वाली तरफ। ये देखो ये मंदिर का पूरा प्रांगण, यहाँ पे पूरी दुकानें वकानें। कितने सारे मंदिर बने हैं, सब बने बहुत सारे बने हैं। चर्च में ये चर्च ऐसे की जो टॉप 10 चर्च है उनमें से एक है और ये अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत जो है क्षेत्र फैला हुआ है, इससे इसके लिए भी लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। तो मंदिर के पश्चात हमें फिर चर्च के दर्शन। जैसे को घर छोड़ के बाद हम दो निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। ये देख लीजिए बहुत प्यारा पटोला डिजाइन बोलते हैं ना उनको, हम उस वाले की अभी हैवी स्टफ है कपड़ा के साथ, ठीक है ना। एक दीदी वाइट चल जाएगा ना उसी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने एकदम नए ढंग से ज़्यादा हम लोग आगे आए क्योंकि कुछ नया करा जाए। अभी हम चल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। एक पड़ाव आपको दिख रहा होगा हम कहाँ मुड़ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो फिर हम पड़ाव पहुँच जाएंगे। बहुत कर पहुँचे हम अब यहाँ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ का नेक्स्ट पड़ा पुष्टाश्रम, हमने एंट्री कर ली है पुष्टाश्रम में। हम लोग यहाँ से तो दाल चावल राशन वगैरह देते थे, फिर हमें किसी बार पूछा था हमने कहा हम लोग राशन है और हमें राशन तो हम कोई नहीं देता, तो आप हम के हिसाब से कुछ हमें सॉल कंबल वगैरह कुछ गिफ्ट दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए इस बार हम कुछ इसी प्रकार के जिस प्रकार उन्होंने इच्छा जताई थी इसी प्रकार के सामग्री लाए हैं। आप लोग जब भी यहाँ दान करें तो एक बार इनकी इच्छा जरूर पूछ लें कि इनको क्या हो सकता है, क्योंकि फालतू कोई चीज़ देने से इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बर्बादी होती है। ये भी बना क्यों? हां अरे सिंगरा उन्होंने पानी छूटे। अच्छा अच्छा, तो पहले तो पानी टप गया था ना, हम बोला इसको ग्रीनिंग कर दो, बोला कि उस कपड़े में चादर डाल लेगा। हां ये ठीक है, अब कमरा बन गया, ऐसे भी ठीक हो गया। बच्चा का सब पड़ी बड़े कर, हां हां कमरा भी हो गया। हां जी हां, और ये भी हो गया कि पानी बच गया। हां जी जी हां जी। कितने लोग आप यहां पे? 12 आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत 20 आदमी थे, अब सब मर गया, सब बूढ़ा बूढ़ी। हां 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ये आ गया अब हमारा लंच के लिए पिज्जा। आज हम हर प्रकार की पार्टी एंजॉय करने वाले हैं। लो सार्थक तुम्हारे लिए पिज्जा आया है, लो खोलो उसको, खोलो खोलो, देखो देखो पिज्जा आया, पिज्जा वाओ इट्स ब्यूटीफुल। और अब आएगा मजा, ये दोनों बैठे हुए खाने की तगार में और ये अभी खाएंगे और मजा करेंगे पिज्जा के साथ में।
पिज्जा देखो, ये पिज्जा खा रहे हैं, ये सार्थक खा रहा है पिज्जा, ये दिशे ने खा खा के छोटा सा कर दिया उसको, इसके मम्मी का तो पेट ही भर गया है। देखो और हम जा रहे हैं डिनर करने, कि कहाँ मिलता है आपका डिनर। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, बस हम घर से निकल पड़े हैं, बस जहाँ हमको अच्छा लगेगा अच्छा आएगा वहाँ पर हम मिलते हैं। होटल ये हम जा रहे हैं मासला के होटल में। देखो ये रिश्ता भी है, देखो ये है रिश्ता दिल्ली के रिश्ता मासला है, बहुत सा खाने हैं ये आ रहे हैं पीछे। पर वैसे हमने खाना घर पे खाया। हाँ ये आ गया है। हमने खाना पैक करा लिया है और हम घर जा रहे हैं, क्योंकि सार्थक हमारे साथ नहीं आया था, उसी क्लास चल रही, तो हमने सोचा आज खाना घर ले आएंगे, वहीं पैक करके खाएंगे। फिर हम आज थोड़ा शादी से भी मनाना चाह रहे थे अपना एनिवर्सरी, और ये रिश्ता के पास ही है, और रिश्ता के जैसे कि मम्मी पाई है, इन्होंने खाना पैक कर दिया इन लोगों ने, जा रहे हैं हम गाड़ी में। ओके तो गाइस, क्योंकि आज सार्थक क्लास थी इसलिए हम लोग खाना पैक करके ले आए थे, और हमारा खाना लग गया है, और आज का डिनर पैक्ड फूड और कुछ हमारी वाइफ ने बनाया, सोभा ने बनाया था, वो सब मिक्स करके हम खा रहे हैं। और ये अब हम खाना खा के ये सारे दिन खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये आ चुका है हमारा खाना अभी और साथ में स्वीट भी। तो अब ये हमारा इस आज के दिन का इस प्रकार से बहुत ही शुभ अंत होने को जा रहा है, और हम देंगे आपको आप नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।